गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के गिरिडीह जिले के पीरटार प्रखंड के कुड़गो पंचायत प्राकृति की गोद में बसा है। भेलवा डार में प्रवेश करते ही प्राकृति की सुंदरता के दर्शन होते हैं। पीरटार प्रखंड मुख्यालय से इस गांव की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर होने के बावजूद यहां अभी तक विकास कोसों मील दूर है। इस गाँव के ग्रामीण बलिराम हांसदा कहते हैं कि अभी तक हम लोगों को ना तो रोड और ना ही पानी की सुविधा और ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हमारे गांव में कोई बीमार पड़ता है तो खटिया में लाद कर इलाज कराने के लिए लेकर जाते हैं। जब यहां के ग्रामीणों से पूछा गया कि गिरिडीह लोकसभा के सांसद कौन है तो किसी ने सांसद महोदय का नाम नहीं बता पाए। कहते हैं सांसद महोदय जी आएंगे तभी तो हम लोग उनके नाम जान पाएंगे, कभी नहीं आए हैं। वही ग्रामीण मंगल हादसा पे पूछे जाने पर कहा कि हमारे गांव में एक भी चापाकल नहीं है, पूरे गांव में एक मात्र ही कुआं है, वह भी चैत बैसाख महीने में सूख जाता है। हम लोग गांव से 1 किलोमीटर दूर से महिलाएं दाढ़ी से पानी लाती हैं। मैं सदा एक ही बात बोलता हूं, ना मैं पक्ष की बात करता हूं ना मैं विपक्ष की बात करता हूं। अगर जनता का समस्या है तो मैं समाधान की बात करता हूं। जैसे जैसे लोकसभा नज़दीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी का सिरदर्दी तेज होती नज़र आ रही है। उसी बीच हम अभी लोकसभा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के कुड़को पंचायत में हूँ, जो कि पीरटाण प्रखंड पड़ता है और गिरिडीह जिला पड़ता है। और कुड़को पंचायत के अभी मैं भेलवाटाण टोला में हूँ। यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले दादू जोहार। जोहार। की नाम लगा तोहर? मंगल हांसदा। अभी लोकसभा के चुनाव होने वाला हो तो है, लोकसभा के संसद के नाम जाना है? संसद के नाम तो ना जाना है। ना जाना है? ना जाना है। तो वोट बिन जान ले वोट दे दा तखन और आवतिन तखन मने कहत रे कर में देबे तखन दे दे ही। दे दो है। तो अभी की तोहर यहाँ समस्या ऐसा हो? समस्या अखन तो हमने को तकलीफ है, बहुत तकलीफ मैंने पानी उनी बहुत तकलीफ हो। कारण एक चापाकल ना गड़ल है। चापाकलो ना हो? ना। अभी मोदी एगो योजना लागू करल है, हर घर जल योजना, उटा की पहुँचल है तो नहीं? ना, एको एको ना पहुँचल है। चापाकल के गो हो? एको ना है तो। एक भी चापाकल ना हो? हियो का हम। कुया के गो हो? कुया? कुया एगो हो। एगो हो? हाँ। पानी उनी रहो हो? ना रहो, चेत वैसे महीना तो ना रहो। तो फिर उस टाइम कहाँ पानी पानी पिया है? वहाँ डाड़ी चल जाइए, नाला है, नाला में डाड़ी बनवा लिए, वहाँ से ले आना है। तो अभी रोड की व्यवस्था हो? रोडवो कहाँ बनल है, जैसे मान पारपुर तक पहुँचल है, लेकिन हिंदे छतनी टोला से लेकर भेलवा टोला से कमर टोला तक रोड नहीं पहुँचल है। अगर यहाँ के आदमी बीमार पड़ गया है तो कैसे करके लगा? खटिया टैंक के लगे हो है? खटिया में टैंक के लगा है? हाँ। इलाज करवे ले? इलाज करवे में रहते नहीं होंगे। तो ये देख सकते हैं श्रीमान, इस गांव की, इस टोला की स्थिति ऐसा है कि रोड नहीं रहने के कारण यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के माता बहन अगर बीमार पड़ती है तो खटिया में एक तरह का हम कह सकते हैं कि ग्रामीण खटिया में स्वास्थ्य केंद्र लेके जाते हैं, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब अनुमान लगा सकते हैं कि आप कैसे कहते हो कि हम विकास करके विकास किए हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि विकास के आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने विकास किया है। क्या श्रीमान मैं कह सकता हूँ कि कभी ये कुड़को पंचायत का भेलवा टोला गाँव पहुँचे हो? अगर पहुँचे हो तो यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ है? वोट लेने के लिए तो आप तरह तरह के पगडंडी अपनाते हो, लेकिन सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ के ग्रामीणों के साथ छलने का काम होता। की नाम लगा दादू? बलिराम हंसदा। की कहबा जनप्रतिनिधि सब? तो वोट तो नहीं दे रहा, लेकिन की कहबा जनप्रतिनिधि सबके? की कहबा, हम तो यहाँ देखे सब कोनो चीज हम तो व्यवस्था है ना, यहाँ पानी के ना हो ठीक ठिकाना, रोड रास्ता के भी ठीक ठिकाना ना हो। जर बीमार हो तो आधे बस्ती कुली साइड में हो, वहाँ हमने खाटी में लेके हम तो लेके ले जाइए टाड़ा करके, तब हमने हॉस्पिटल लगाए। माने टाड़ा करके ले जा? हाँ, टाड़ा करके। क्या इस गांव का दुर्दशा है? बीमार पड़ते हैं यहाँ के माता बहन भाई लोग,
टाड़ा करके ले जाते हैं खटिया से। अब समझ सकते हैं श्रीमान, विकास के तो बड़े बड़े अब डंका पीटते हैं, लेकिन सच्चे माने में मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूँ। मैं ग्राउंड जीरो की बात करता हूँ। जब इस क्षेत्र में आइएगा, जब इस क्षेत्र के जनता के समस्या को सुनिएगा, तो दिल दहला देने वाला ये समस्या है। को अगला कड़ी में दिखाता हूँ, जहाँ से यहाँ के माता बहन लोग पानी लेने के लिए कच्चा कुआं जो जाता है, जिसको डाड़ी बोलते हैं आम भाषा में, गांव के भाषा में उसको डाड़ी बोला जाता है, उसको कच्चा कुआं बोला जाता है, वहाँ से यहाँ के माता बहन पानी लाती है। हम वहाँ भी आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस गांव की क्या स्थिति और परिस्थिति है। तो मैं उस जगह पे भी पहुंच चुका हूं, जहां से इस गांव के महिला दीदी लोग पानी लेके गांव तक जाते हैं। ये की जगह लगा ईटा के डाड़ी, ये डाड़ी लगा तो यहीं से तो नहीं पनिया लगा। हाँ। संसार के की नाम लगा? संसार के नाम ना जाने, ना जाना। हाँ, बच्ची भी है यहाँ पे। हाँ। की नाम ला लू नहीं तो है? पानी यही से लगे हैं। हाँ। है वहाँ पानी गांव में व्यवस्था नहीं हो? नहीं। संसद जान संसद के की नाम लगो से? नहीं। गलती आपका नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यदि संसद नहीं आएंगे तो संसद का नाम कैसे जानेंगे हम यहाँ। क्या कुछ कहेगी दीदी? क्या कुछ कहेगी? पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं है। पानी का भी व्यवस्था नहीं है और रोड का भी व्यवस्था नहीं है? नल और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। अभी एक मोदी सरकार जो हर घर जल योजना, घर घर तक पानी पहुंचाने का वादा किया है, तो क्या नल लगा है, पाइप गया, बिछा है गांव में? नहीं, कुछ नहीं बिछा है। अच्छा, संसद के नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। संसद का नाम भी नहीं जानते नहीं। हैं। तो देख सकते हैं श्रीमान, यहाँ के जो ग्रामीण है संसद तक का भी नाम नहीं जानते। इसका मतलब संसद कभी नहीं आया होगा? नहीं आया है तो इसीलिए नहीं जान रहे हैं। और बहुत से यहाँ पे दीदी लोग हैं, हम जानेंगे। की नाम ला दीदी? नाम सोनिया देवी। सोनिया देवी। हाँ। संसद के की नाम लगा जाना है? नहीं जाना है। मतलब साफ जाहिर हो कभी संसद यहाँ ना आई लहर है ना, ना। यहाँ की स्थिति है। मैं सदा एक ही बात बोलता हूँ, ना मैं पक्ष की बात करता हूँ, ना मैं विपक्ष की बात करता हूँ। अगर जनता का समस्या है तो मैं समाधान की बात करता हूँ।